हाय दोस्तों, मैं हूं देवतन अग्रवाल। आप देख रहे हैं स्टार टेलीकॉम, आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपके सामने ले ही आया आई रिपेयर। जी हाँ, तो मैंने आपसे बोलकर रखा था कि मैं आई रिपेयर लेके आऊंगा और उसका पूरा एक कंप्लीट एक प्रैक्टिकल वीडियो, और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है, सर ये जो डिवाइस है, जो मॉड्यूल है, ये क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, जनरली हमें इसको कैसे यूज करना है, किस विंडो में यूज करना है, क्या ये अपडेट होता है, क्या इसके अपडेट के चार्जेस लगते हैं, किन फोनों को ये सपोर्ट करता है, किन फोनों पर सपोर्ट नहीं करता है। तो सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस टेलीकॉम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जिस चैनल पर आप इसको देख रहे हैं देवतन अग्रवाल मेरे ऑफिशियल चैनल पर, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसमें मिलेगा बहुत सारा नॉलेज। तो दोस्तों चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो ये है आई रिपेयर। हालांकि मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूं, बट प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। कुछ इस तरह का बॉक्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जब आप इसको बॉक्स को निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका मॉड्यूल, और बहुत अच्छा, ये बहुत ही प्यारा और स्लिम मॉड्यूल इसको बनाया गया है। डिजाइन इसका बहुत अच्छा किया गया है, जो इसमें लोगो लगाया गया है वो भी काफी अच्छा लग रहा है, और काफी अच्छा इसमें मेटल यूज किया गया है। और इसको हम ओपन भी करेंगे, इसको खोलेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे इसको खोल के आपको पीछे दिखाएं। पहले आपको पूरा इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो दे दूं, और एक फोन पर और एक आईफोन 6 मेरे पास में है, उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस पर रीड और राइट कर सकते हैं और कौन से एरर हम इससे दूर कर सकते हैं। तो इस तरह का मॉड्यूल आपको ये मिलेगा। तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ साइड में। अब उसके साथ में और इस बॉक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कोई यूजर मैनुअल नहीं है इस बॉक्स के साथ। आपको एक केबल आपको देखने को मिलेगी, जो नॉर्मली ये केबल आप जैसे कि देख रहे हैं, और यही केबल को आपको यूज करना है जब आप इसको पर्पल बोर्ड पे लेके आएंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आई रिपेयर ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, और यहाँ पर भी आपको आई रिपेयर का लोगो देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छी और शॉर्ट लेंथ की केबल है, सबसे अच्छी है शॉर्ट लेंथ है, बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ की केबल आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो काफी अच्छा है यहाँ पर, तो काफी अच्छा इन्होंने बॉक्स के साथ में मैनेजमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसकी बातें करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको फायदे होंगे लेने से, और क्या आपके फायदे नहीं है, और कौन से इसके अलावा मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो सारी चीजें मैं इसके बारे में आपको डिटेल देना चाहता हूं, और इसके साथ हम इसको गूगल पे इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सीखेंगे और इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे, और उसके बाद इसको कैसे प्रैक्टिकल यूज करना है वो सीखेंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, मैं हूं देवतन अग्रवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, और आज फाइनली मैं वीडियो लेके आया हूं आपके लिए आई रिपेयर पर। जी हाँ, बहुत दिनों से, और मैंने बोल के रखा था अपने सारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे स्टूडेंट और जो भी फॉलोअर्स मुझे देखते हैं और जो सीख रहे हैं मेरे इस वीडियो से, तो मैंने उनके लिए लेके आया था कि मैं लेके आऊंगा आपके लिए आई रिपेयर का एक वीडियो। तो दोस्तों आई रिपेयर में इसमें क्या खासियत है, क्यों ले हम आई रिपेयर, और हालांकि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यही लीजिए, इससे भी सस्ते आ चुके हैं, केबल आ चुकी है, पर उसका भी मैं बताऊंगा कि वो केबल लेने के बाद आप अपने विंडो से तो उसको पर्पल मोड पे नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल समझ लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपके नॉलेज के लिए ही है, और हो सकता है कि आप अपना पैसा भी फिजूल वेस्ट ना करें। से मेन ये आई रिपेयर के बारे में बताना चाहता हूं कि ये आई रिपेयर जिन्होंने डिजाइन किया हुआ है, काफी अच्छा डिजाइन है, काफी अच्छा मेटल, और काफी अच्छा यहाँ पे सॉफ्टवेयर उन्होंने क्रिएट किया है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, अगर आपके पास में फोन आते हैं, मान लीजिए लोगो पर रीस्टार्ट या डेड फोन आता है, आप उसको फ्लैश करते हैं तो वो आईट्यून से एरर देता है, जैसे एरर 9 या एरर देता है एरर 40-13 या जैसे 40-13 बोलते हैं जिसको, या एरर देता है एरर आपका 40, इस तरह के कुछ एरर्स अगर आपको मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, तो जनरली आप अगर हार्डवेयर पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे किसी को फोन दे देते हैं जो हार्डवेयर पे काम करे। अब वो क्या करेगा, वो हार्ड डिस्क निकालेगा, जिसको नैंड बोलते हैं, 6 प्लस तक उसको PCIe बोलते हैं, और उसके ऊपर उसको PCIe बोलते हैं। तो वो नैंड को निकालेगा और उसको प्रोग्राम करेगा। प्रोग्राम करने के लिए वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेगा, जैसे IP बॉक्स यूज करेगा या फिर JC Pro या WL का यूज करेगा, जो कि प्रोग्रामर बॉक्स है, और जो एक प्रोफेशनल ही आईफोन जो आपके टेक्नीशियन है, जो प्रोफेशनल है, वही रखते होंगे, नॉर्मल कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि महंगे भी होते हैं, और साथ में उनका तभी यूज होता है जब आपको हार्डवेयर प्रैक्टिकल का नॉलेज हो कि आपको IC निकालना आता हो। दोस्तों क्या होता है कि जो बिगनर होते हैं ना, वो बहुत बार मैंने ये उनके साथ देखा हुआ है कि जो वो हार्ड डिस्क निकालते समय CPU का जो पीछे की सील्ड होती है वो बिल्कुल नहीं उठाते हैं, जिस वजह से CPU टेम्पर हो जाता है, क्योंकि आप ऊपर से तो हीट देते हो तो उसकी हीट नीचे जब कंज्यूम होती है तो वो पूरे बोर्ड में घूमती है, और वो बोर्ड में टेम्पर्ड ग्लास जो बोर्ड में आपके सील्ड के अंदर ही फंसी रह जाती है, ये मानो कि उनको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है, तो वो एक तरह से वो हीट भरती रहती है और आपका CPU वहां बोल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जनरली, जो YouTube से कभी नहीं सीखी जा सकती है, जो सीखी जा सकती है एक इंस्टीट्यूट आकर। क्या
मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो हमारे आईफोन के लिए, बट इतना बोलूंगा कि अगर आपने बेस्ट सीखना है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ऐसा टेलीकॉम। तो दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ केवल आई रिपेयर की। ये आई रिपेयर एक ऐसा मॉड्यूल है, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही काम करते हैं, आपको हार्डवेयर नहीं आता है, चलिए ठीक है मानते हैं। अब आपके पास कोई फोन आया आईफोन, पहली चीज तो मैं अपने स्टूडेंट को ये भी कहता हूँ कि अगर आपको हार्डवेयर पे काम नहीं आता तो आईफोन फ्लैशिंग के लिए भी मत पकड़ो, क्योंकि फिर कस्टमर चल जाता है, कस्टमर बोलेगा भी मेरा लोगो वाला सेट तो आपने वो भी डेड कर दिया, क्योंकि एक बार जब एरर आ जाता है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार हार्डवेयर के फॉल्ट आने पर आप भी फंस जाते हो। तो जब तक आपको नहीं लगे कि मैं हार्डवेयर पर काम कर लूँ तो सॉफ्टवेयर का मुझे लगता है कि नहीं पकड़ना चाहिए, क्या ठीक है। पर अगर आपके पास अब ये आ चुका है, अगर आप ये परचेस करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर वाले भी हार्डवेयर बिना छुए अपना वो एरर बना सकते हैं। कैसे, इस वीडियो में मैंने पूरा बताया है प्रैक्टिकल एक फोन के साथ में, जो आप अभी आगे देखेंगे वीडियो में, पर इसके बारे में थोड़ा जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं इसको लेके जो मन में घूमते रहेंगे, जो आप बाद में पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो बना देते हैं पर प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाते। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर वीडियो क्या होते हैं, कि सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं ये ईयरली चार्जेस नहीं है। कि पहला सवाल ये कि क्या ये ईयरली चार्जेबल होगा, क्या ये अपडेट होने के लिए चार्ज लेगा, क्या एक साल के बाद चार्ज होगा, बिल्कुल नहीं, ये आपको ईयरली कोई चार्ज नहीं करेगा। दूसरा, क्या ये iPad को, iPad के जो मोबाइल है उनको सपोर्ट करेगा, जी हाँ बिल्कुल iPad के मोबाइल को सपोर्ट करेगा, इवन इसके जो वर्जन अपडेट होके गए हैं वहां पे इसकी पूरी जानकारी दी है, कौन कौन सा iPad सपोर्ट करेगा ये वीडियो के आगे में आप देखेंगे। तीसरा सवाल बनता है कौन से फोन सपोर्ट करेगा, तो ये करेगा 6 से X तक जो सीरीज है ये पूरी सपोर्ट करेगा। और उसके बाद में क्या हम इस डिवाइस के लिए, अगर हम ये डिवाइस ले लेते हैं तो क्या हमको हार्ड डिस्क निकालनी पड़ेगी, हार्डवेयर पर कोई काम करना पड़ेगा, किसी प्रकार की जंपरिंग या किसी प्रकार का सोल्डिंग डिसोल्डिंग या किसी भी प्रकार का आईसी हमें माउंट या रिमाउंट करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आपको नॉर्मली जैसे एक जो ट्रिक होती है वो भी मैंने पूरी वीडियो में बता के रखी है, सो आप अगर उस ट्रिक के हिसाब से या उस मैटर के हिसाब से चलेंगे तो बहुत आसान है। रीड राइट और रीड फॉर्मेट, और ये मान के चलिए रीड फॉर्मेट और राइट का ही फॉर्मूला लग गया है, सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, रीड कर लो, फिर फॉर्मेट कर लो और फिर राइट कर लो, और अगर वाईफाई अनबाउंड करना है तो वाईफाई अनबाउंड कर लो। आप पर्टिकुलर सीरियल नंबर जैसे आईपैड को अनलॉकिंग के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा, जब आईक्लाउड अनलॉकिंग हम करते हैं और सीरियल नंबर परचेस करते हैं दूसरा, तो आप उसमें भी ये यूज कर सकते हैं दोस्तों, आईपैड प्रो में भी ये काम कर जाता है। तो ये वो सारे मोबाइल में काम कर जाता है जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा डिवाइस है, इसको खोल के भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। दोस्तों मैं बता दूं इसके अलावा एक आजकल मार्केट में केबल आ रही है जिसको पर्पल केबल या इस तरह से कुछ केबल बोल रहे हैं, अब वो बिल्कुल केबल ले लीजिए, पर आप एक बात जान लीजिए कि जब तक अगर आपके पास में विंडोज 7 या विंडोज 10 है तो वो केबल उस पर काम नहीं करेगी, वो केबल काम करेगी सिर्फ मैकबुक के ही लैपटॉप पर, जैसे मैकबुक प्रो हो गए या एयर हो गए, पर आपको 1 लाख 1.5 लाख या 50-60 हज़ार के ऐसे लैपटॉप लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप अपने विंडो 10 पे भी वो आप मैकबुक का ओएस डाल सकते हैं, पर उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर पे एजुकेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हालांकि ये सब नहीं है तो वो मत लीजिए, अच्छा काम आता है आपके पास। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि जूते नाइकी के भी हैं, वही जूते नाइकी के 10,000 के मिलेंगे रेड कलर के, और वही जूते आपको किसी दुकान पे 600 रुपये के भी मिल जाएंगे और उस पर लिखा होगा नाइकी, तो दोनों में अंतर होता है। वो नाइकी 2 दिन बाद ही वो रेड कलर पर्पल रेड कलर फीका पड़ जाएगा, वो आपको रेड कलर ही कुछ अलग पिंक कलर नजर आएगा, पर वो जो नाइकी के जूते कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा लॉन्ग टाइम आपके साथ रहेंगे, वैसे ही कुछ ये नाइकी का प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, ये लीजिए, ये लीजिए जरूर, मैं ये नहीं बोलूंगा यही लीजिए, आपको लेना पर्पल केवल आप वो ले लीजिए, कोई और रिपेयर बॉक्स आता है वो ले लीजिए, मेरे पास वो रिपेयर बॉक्स नहीं है, अगर वो आएगा तो मैं उसका रिव्यू करूंगा और उसका डालूंगा। मेरे पास अगर कोई सेलर इसको रिव्यू करने के लिए भेजता है तो दोस्तों मैं बिल्कुल रिव्यू करता हूं। ये भेजा है मुझे ZX मलिक ने रिव्यू करने के लिए, आपको बताने के लिए कि इसका क्या काम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है आई रिपेयर को लेकर कि सर आई रिपेयर से एक्चुअली में होता है क्या है, क्या मतलब हम समझे नहीं कि एरर किस तरह से निकले जाते हैं, क्या किस तरीके फॉर्मेटिंग होती है, क्या प्रोग्रामिंग होती है, तो पूरा वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है, और ताकि आपको भविष्य में इसको लेके कोई भी दिमाग में शंका ना रहे और कोई भी सवाल ना रहे। तो दोस्तों बहुत सारे जो सवाल थे मैंने वो भी क्लियर कर दिया, अगर उसके अलावा भी कोई सवाल आता है आपके दिमाग में तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। और ये इसका जो प्राइस है अब मार्केट में क्या है वो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि आपको अगर पूछना है तो नीचे दिए नंबर पे ZS मलिक को कॉल कर सकते हैं आप, और किसी और को भी कॉल कर सकते हैं आप, इंडिया में बहुत बड़े बड़े सेलर हैं, आप उनको भी कॉल कर सकते हैं, जहां से आप इसको परचेस करना चाहें वहां से आप इसको परचेस कर लीजिए, ये आपको मिलेगा अच्छे रेट पे,
बट एसर टेलीकॉम के लिए अगर कोई स्टूडेंट है तो ऑब्वियस है कि उसको जो भी रेट मार्केट में मिल रहा है आप पता कर लीजिए, वो रेट बताइए और उससे 10% कम रेट में आप उसको ले लीजिए। क्या ठीक है? तो दोस्तों आइए चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करके इसको पता करते हैं कि क्या ये कितना वर्किंग है, क्या इसका वर्थ है कि नहीं है या ये बेकार है। तो सारी चीजें वीडियो के आगे में, तो सारी चीज वीडियो के आगे देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत की है और इसके लिए वीडियो बनाया है, बहुत टाइम से ये डिमांडेड था, मेरे पास आया नहीं था, मुझे सेलर ने भेजा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे दिल्ली के जेडएक्स मलिक ने उन्होंने भेजा है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास कुछ नई नई चीज आएगी तो मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग और उसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाता रहूंगा। सो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों चलिए आ जाते हैं आप अपने कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके इंस्टॉलेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको ओपन करना है गूगल, तो आप गूगल पे जाइएगा। गूगल ओपन करने के बाद आप चाहें तो गूगल में डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या आपको अगर मैं शॉर्टकट बता दूं तो चलिए शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूं। आप में अपने एड्रेस पे आपको टाइप करना है irepairbox.com। जी हाँ, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट में चले जाएंगे irepairbox.com की। बहुत आसान है दोस्तों इसको डाउनलोड करना। ये देखिए आप इसके irepairbox.com के इसकी वेबसाइट में आप चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको चाइनीज लैंग्वेज दिख रही होगी तो पहले तो ये खुद ही उसको ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, और अगर नहीं किया तो आप इसको यहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक दबाइए और यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डाउनलोड सेंटर पर जाइए और डाउनलोड सेंटर पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा रिपेयर RC10 और रिपेयर P10, क्योंकि हमारे पास जो मॉड्यूल है दोस्तों वो P10 है। तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए फिर से चाइनीज पर चला गया, इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो मैं बता दूं रिपेयर RC10 क्या है, तो अगर मैं इसको होम पे क्लिक करता हूं तो क्योंकि आई रिपेयर बनाता है थर्मल कैमरे मतलब जो सॉर्टिंग और जो पीसीबी में जो फॉल्ट होते हैं जिससे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जो सॉर्टिंग और जो लीकेज फॉल्ट होते हैं हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहां पर ज्यादा हीट हो रहा है, तो ये थर्मल कैमरा भी आई रिपेयर बनाता है। तो इसका उसने जो मॉडल रखा हुआ है तो वो उसने मॉडल यहां पर डाला हुआ है RC10, पर हमारे पास जो मॉडल है अभी है वो P10, आई रिपेयर P10 इसका मॉडल है। तो ये इसका सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, दो वर्जन में आपको मिलेगा, एक चाइनीज और एक इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश वर्जन को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों एक चीज और देखने को मिलती है कि अभी इसका वर्जन भी अपग्रेड कर दिया गया है। पहले इसका वर्जन जो शुरू हुआ था वो V16 से शुरू हुआ था, जो कि आप देख रहे हैं कि 6 से X सपोर्टेबल है। अब इसका वर्जन 2.1 कर दिया गया है जिसमें iPad भी इन्होंने शामिल किए हुए हैं, मतलब आप इसका पैड मिनी 4, पैड 5, पैड 6, पैड प्रो और पैड प्रो वर्जन 2 भी आप इससे इसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा यहाँ पे अपडेट बताया गया है। फिर वर्जन 2.2 में बताया है कि iPad Air 2 के ये दो मॉडल भी इन्होंने यहाँ पर डाले हुए हैं। वर्जन 2.3 में भी यहाँ पर कुछ चाइनीज में बताया हुआ है, हम इसको इंग्लिश में करके देखते हैं कि अगर ये हो जाता है। देखिए तो यहां पर बताया हुआ है कि एंटर रिकवरी मोड आफ्टर एग्जिटिंग का पर्पल स्क्रीन, तो आपको रिकवरी मोड पर डालना है जैसे आप पर्पल से एडजस्ट हो जाते हैं उसके बाद में। तो फिर उसके बाद में 2.6 में अपडेटेड टूल बॉक्स और उन्होंने अपडेट कर दिया, इस तरह से इनकी हिस्ट्री रही है। आई होप कि आपको समझ में आई हो। तो आपने करना क्या है, क्लिक डाउनलोड पर टिक करना है, तो ये आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको क्लिक पर किया तो ये मेरा डाउनलोड हो गया, पर क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं फिर भी इसको मैं यूज नहीं करूंगा। फिर भी ये डाउनलोड हो गया है, ये ज्यादा MB का नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं ये कितने MB का ये आपके पास में फाइल आएगी। तो अगर मैं इसकी साइज आपको बताऊं, यहाँ पर देख लेते हैं इसकी साइज, तो दोस्तों ये है 63 MB की, तो 63 MB की ये साइज होगा। और अब इसके बाद में हमें जाना होगा आप, और अब मैं इसके वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ बहुत अच्छे से, तो ये वीडियो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसको शॉर्ट लेंथ पे वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो प्रोडक्ट सेंटर में आपको क्या देखने को मिलता है, तो चलिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है ट्यूटोरियल सेंटर पे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको ट्यूटोरियल यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से इंग्लिश कर लीजिएगा। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे वीडियो भी डाले हुए हैं कुछ पर, आपको जब ये वीडियो देख रहे हैं तो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और प्रोडक्ट सेंटर में आपको ये प्रोडक्ट बता रहा है ओवरऑल कि कितने इसके प्रोडक्ट है, तो इसके पास दो प्रोडक्ट है, एक इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग सेंसर जो कि जो थर्मल मतलब जो थर्मल इमेज आपको दिखाएगा कि अगर उसमें कुछ हीटिंग सेंस हो रही है तो वो आपको हीटिंग करके वो हीटिंग का अलग से आपको भाग दिखा देगा, हिस्सा दिखा देगा, जो कि मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। और आई रिपेयर 10 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां की इसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और आप
इसको नीचे करेंगे तो आप इसको और अच्छे से जान पाएंगे। और फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन है इसके बारे में, तो मैं आपको बात बता ही चुका हूं कि क्या ये फ्यूचर में चार्जेबल होगा, कौन से मॉडल ये सपोर्ट करेगा, क्या आईपैड इतने सपोर्टेबल है, और इसमें क्या हार्ड डिस्क निकालनी पड़ती है, तो सारी कौन सा डाटा इसमें प्रोग्राम होता है, तो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए हम जाते हैं आप सॉफ्टवेयर पर। सो इसका सॉफ्टवेयर इस तरह का कुछ आएगा, आपने इसको रन करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, देखिए इस तरह का इसका exe खुलेगा, आप इसको यहां से क्लिक कीजिए, चाइनीज आएगा, फिर भी आप इसको दबाइएगा और ये तो ये आपका रन हो जाएगा। देखिए मैं इसको फिर से एक बार इंस्टॉल कर देता हूं आपके लिए। देखिए सिर्फ आपको इतना प्रोसेस करना है, ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। जब आप इसको इंस्टॉल कर ले तो आपने इसको ओपन करना है। देखिए अभी मैंने बॉक्स कनेक्ट नहीं किया है, बॉक्स आपके सामने है, देखिए अभी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको एग्री पे क्लिक करता हूं और इस तरह से कुछ आपका बॉक्स इंटरफेस आपको खुल जाएगा जिसमें अभी ब्लैंक रहेगा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल यूएसबी केबल से, देखिए नॉर्मल यूएसबी केबल से मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए आपने करना क्या है कि जो आपका नॉर्मल आईफोन का जो यूनिवर्सल केबल है वो आपने यहां लगाना है इधर, ये देखिए ये केबल आपको इधर लगानी है, तो ये आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ड्राइवर चला चुका हूँ, फिर भी मैं आपको सारे स्टेप टू स्टेप सब कुछ शुरू से बताऊंगा। ये जो केबल लगनी है दोस्तों आपको, ये वाली जो केबल है जो आप फोन के साथ कनेक्ट करेंगे, ये आप केबल इस तरह से पीछे लगाएंगे, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से केबल पीछे लगेगी। और तो यही दो पोर्ट हमको यूज करना है, एक पोर्ट हमको यूज करना है यहाँ पर अपने पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए, और एक पोर्ट यूज करना है हमें यहाँ पर फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। जनरली मुझे लगता है ये पोर्ट यूज करते होंगे हम इसको खुद को प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है तो अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या यहाँ पर सीख सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले फर्मवेयर पे क्लिक कीजिएगा। फर्मवेयर क्या होता है कि जब हम ये पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो इसकी खुद की जो फर्मवेयर होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फोन में ओएस आईओएस इस तरह से फर्मवेयर होती है, वो अपडेट होती है। सो आपको इसका जो भी डाटाबेस है जो फर्मवेयर के साथ, वो उसको अपडेट करना होता है। सो अपडेट फर्मवेयर पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा, आपको इंटरनेट से जुड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पर आप क्या कीजिएगा, अपडेट डाटाबेस पे क्लिक कीजिएगा। वो अपडेटेड डाटाबेस ये देखता है कि जो बेसिकली जो पर्टिकुलर डाटा चाहिए इसको जो फोन के साथ पर्पल मोड पर डालने के, वो इसके बाद में वो डाटा है कि नहीं है, तो वो जो भी डाटा होगा वो उसको अपडेट करेगा। देखिएगा तो ये वन टाइम चलेगा, आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे ये इसी तरह से चलेगा। देखिए चल गया, आप फर्स्ट टाइम ये थोड़ा 100% तक चलेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपडेट कर चुका था। तीसरा आपको करना है ये CH340 ड्राइवर है, ये बहुत मेन है। अगर आप इसको नहीं चलाएंगे और ये अगर कनेक्ट नहीं होगा तो दोस्तों आपका फोन आपके आई रिपेयर के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। तो आपने करना क्या है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी चल चुका है तो आप सीधे जैसे इसको नेस्ट करके चला लीजिएगा, मैं मॉडिफाई कर लेता हूं। ठीक है, बहुत इतना है, डिवाइस मैनेजर खोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको आपका आईफोन अपने आई रिपेयर से कनेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, तो आपका आई रिपेयर को बेसिकली डीएफयू मोड में, आपके आईफोन को डीएफयू मोड में कनेक्ट करके आपसे आई रिपेयर को कनेक्ट करेंगे। तो आपका यहां पे जो नो कनेक्शन जो आपको बता रहा है वो आपको बताता रहेगा कि कौन से कनेक्शन में आपका फोन है। तो पहले हमें इसको, क्योंकि मेरे पास आईफोन 6 है, तो रिकवरी मोड पर डालेंगे, फिर डीएफयू मोड पर डालेंगे, डीएफयू से इसको क्लिक करके इसको पर्पल मोड पर डालेंगे और फिर समझेंगे सारी चीजों का मतलब क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मेरे पास एक आईफोन 6 है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको डालता हूं रिकवरी मोड पे, तो मुझे रिकवरी मोड पे डालना होगा, तो मैं सब ये केबल लगाऊंगा और इसको दबा दूंगा, देखिए, और ये दबा दूंगा और इसको दबा रखूंगा होम बटन को, तो ये चला जाएगा रिकवरी मोड पे। ये देखिए ये रिकवरी मोड पे चला गया है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं इसको डीएफयू मोड पे लाऊंगा तो वापस ये दोनों को दबाऊंगा, ब्लैक स्क्रीन आनी चाहिए, देखिए अब ये मेरा डीएफयू मोड पे चला जाएगा। देखिए तो मेरा फोन जा चुका है डीएफयू मोड में, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, आपको डीएफयू मोड पे जाने के बाद में अब आपको डीएफयू मोड को क्लिक करना है तो ये फोन जाएगा पर्पल मोड में, तो आपका फोन चला जाएगा पर्पल मोड पे। प्रोसेस बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है,
जो भी शॉपकीपर है इसको लेना चाहे बिल्कुल लीजिए, क्योंकि जो हार्डवेयर का काम नहीं कर पा रहे हैं और जिनके पास में फ्लैशिंग के लिए फोन आ रहा है, तो वो ये सॉफ्टवेयर यूज करके जो हार्डवेयर का इशू है वो बहुत अच्छे से रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया पर्पल मोड पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन पूरी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो जैसे कि आपने देख रहा है सीएल नंबर यहाँ पे दिख रहा है, और जो तीन ग्रीन में दिख रहा है ये आपका मैक एड्रेस है, तो पूरा मैक एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है प्लस सीएल नंबर दिख रहा है आपको। अब आप इसको क्वारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा क्वारी इन्फो में, तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका बैकअप बनाइए। तो ये है बैकअप सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट, तो आपने इसको क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कहाँ बैकअप बनाना है, तो आप अपनी लोकेशन भी दे सकते हैं, पर ये जहां मांग रहा है मैं वहीं पे बैकअप बना देता हूं इसका। तो ये देखिए यहां पर ये लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं इसको सेव कर देता हूं, ये मेरा बैकअप बन गया है यहां पर। आप चाहे तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर किसी कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं। एक बार बैकअप बनाने के बाद में, क्योंकि इसके अंदर जो बग्स है जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तो उसको फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपने क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करना है, तो ये आपकी आईसी को फॉर्मेट कर देगा। अब आपकी आईसी ब्लैंक हो चुकी है पूरी तरीके से। देखिए ये जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है ना, अब मैं वापस क्वारी इन्फो पे क्लिक करूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई नहीं देगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 00 हो चुकी है। अब आपको इसको वापस लेना है तो आप क्या करेंगे, अगर मैं राइट को क्लिक करूंगा तो ये नहीं मांगेगा मुझसे कि कहां पर है, और जो भी दैट टाइम मैंने रिसेंटली बैकअप लिया है वही बैकअप चला देगा। पर अगर मैं यहां पर रीस्टोर पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैं रीस्टोर पे क्लिक करता हूं तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई मेरा बैकअप किधर है। अगर हो सकता है आपने पर्टिकुलर बैकअप कोई पर्टिकुलर फोल्डर में डाला हुआ है, तो आप वो बैकअप वहां से आप ले सकते हैं। तो ये इसको डबल टिक कीजिएगा तो ये बैकअप देखिए बहुत आसानी से ले लेगा। और ये जो बैकअप लेने के बाद में आप वापस क्वारी इन्फॉर्मेटिक कीजिएंगे, देखेंगे अभी 00 है, और जैसे क्वारी इन्फॉर्मेटिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन फिर से मिल जाएगी। मतलब जो भी आपके एरर हैं वो आपके रिजोल्व होने के 90% पे पहुंच गया है। अब आपको इसको आपको हैंडसेट को निकालना है, नॉर्मल मोड पे करना है, और उसके बाद इसको वापस रिकवरी मोड पे डाल के आप इसको नॉर्मल 3U टूल या iTunes के साथ इसको आपको रिस्टोर करना है, इसको फ्लैश करना है दोस्तों, तो ये आपका जो भी एरर है वो चला जाएगा। तो इतना ही है। और इसमें एक चीज और बता देता हूं कि ये जो अनलॉक वाईफाई है ये क्यों है दोस्तों। अनलॉक वाईफाई इसलिए है कि अगर 6s के बाद आपके पास में कोई ऐसा सेट आता है जिसका वाईफाई का आईसी आप चेंज कर रहे हैं, तो उसका जो सीएल नंबर है वो आपके 9 के साथ बाउंड होता है, तो उसको अनबाउंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, आपका वाईफाई आईसी लगाने पर आपके वाईफाई के सिग्नल तो पकड़ेगा पर वो आपका इनेबल नहीं करेगा। इनेबल करने के लिए आपको अनबाउंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 6 में करने की जरूरत नहीं है, ये 6s के ऊपर करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये बॉक्स केवल x तक ही सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए x तक ही आप इसको आसानी से काम कर पाएंगे। अब जिस भी टेक्नीशियन के पास अगर ये सेट है, ये मॉड्यूल है, तो वो वाईफाई को बदलने के टाइम पे उसको हार्ड डिस्क निकालने की जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा ये आपको, इसको बताइएगा जरूर। मैंने हो सकता है पूरी तरीके से आपको इसको बताया हो, और कुछ भी चीज अगर इसमें छूटी है तो वो भी मुझे बताइएगा, कि इसमें कुछ भी चीज ना छूटे। अब दोस्तों आप चाहें तो इसको मैन्युअली यहां से भी इसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहां से जैसे 2 देखिए, आप यहां से नंबर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए 22 था, और इसको यहां से क्लिक किया और ये राइट कर दिया। अब देखिए ये वही आएगा जो मैंने यहां पर लिया हुआ है। हालांकि इसको चेंज करने की बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा जब तक कि इसका आपको नॉलेज ना हो, और जब आप उसको नॉलेज हो तो ही इसको चेंज कीजिएगा। और इसको चेंज करने का नॉलेज एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट में जाके सीखिए कि कैसे इसको चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, कब जरूरत पड़ेगी चेंज करने के। जनरली क्या होता है कि कभी कभी मैं आपको एक आपको हिंट भी दे देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं एयरटेल टेलीकॉम धीरे धीरे कॉल का चैनल, तो आपने लाइक भी करना है। अगर आपके पास फोन आ जाता है नॉट एक्टिवेट पर, तो नॉट एक्टिवेट पर जनरली या तो हम NFC का काम करते हैं, पर उसके बाद में उसमें एक एरर ये भी आता है कि कई बार अगर हमारा वाईफाई का डाटा या सीएल नंबर का डाटा मैच ना करे हमारे नैन के साथ में, तो वो भी एरर एक आ जाता है। तब हम एक मैक एड्रेस को परचेस करते हैं ऑनलाइन, और यहाँ डाल के इसको फिर से राइट करते हैं, ताकि उसके बाद उसको अपडेट करते हैं, और जिससे वो वापस ही सही हो जाता है। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ये जरूर बताइएगा, कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा यहाँ पर जरूर, क्योंकि यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली सारी चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश की है, और इसके बारे में आपने सारी चीजें यहाँ पे जानी होंगी। तो मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वारी इन्फॉर्मेटिक करना है पर्पल मोड पे आ जाने के बाद, या सबसे पहले आपको रिकवरी मोड पे डालना है। आपके पास 7 होगा तो डायरेक्ट DFE मोड पे डाल दीजिएगा, DFE मोड से DFE मोड पे क्लिक कीजिएगा तो पर्पल मोड पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्वारी इन्फॉर्मेटिक कीजिएगा, बैकअप बनाइएगा, बैकअप बनाने के बाद में उसको क्लियर और डाटा कीजिएगा, फिर बाद में रिस्टोर कीजिएगा, और रिस्टोर करने के बाद आप वापस इसको क्वारी इन्फो करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डाटा यहाँ पे आ गया है कि नहीं आ गया है। और अगर आपका 7 है और आपने 9 चेंज किया या फिर आपने वाईफाई चेंज किया, तो अनलॉक वाईफाई को जरूर आप इसको क्लिक कीजिएगा, या आप अपग्रेड कर रहे हैं वाईफाई
वाईफाई सॉरी, या आप अपग्रेड कर रहे हैं नैंड को। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए और लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको भी लेकर हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज सीखने के, तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी इस वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप, और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज है पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर वन पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, ये बिल्कुल नई नई चीज है। हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल, नए सर्किट आ रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल रेडमी नोट 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे, पर उनका क्या जो सिर्फ 6 लैग की आईसी सीख कर चलेगा या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लैग उसके ऊपर क्या। तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1,000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर वन पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस। मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर, कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप EMMC लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा, यहां पर दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे रेडमी नोट 8 प्रो की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर आईसी के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल जो उनकी सप्लाइयां हैं, वो सारी सप्लाइयां उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा, और आपका आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बहुत बड़ी लेवल पे है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के, आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। यहां हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जुड़े रहे इसी तरह, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तरीकों और फिलो तरीकों आने वाले समय में देने वाले हमारे क्रिकेट और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए, इनके लिए आईसी लगाए हैं, थैंक यू वेरी मच सर। एन ISO 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट, एशिया टेलीकॉम, एडवांस्ड मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972। डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।